हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स एम डॉक्टर शालिनी शुक्ला एंड टुडे इज ट्वेंटी थर्ड ऑफ जून टू थाउजेंड सो लेट्स स्टार्ट विद इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़ एनालिसिस इन टूडेज डिस्कशन वी आर गोइंग टू कवर दीज आर्टिकल्स सो स्टार्ट विद आर्टिकल नंबर वन एक्चुअली इन दिस आर्टिकल इन दिस सेक्शन आई एम कवरिंग द टू आर्टिकल्स दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है तो मैंने उनको एक में ही कवर कर दिया है ताकि टाइम थोड़ा सा कम यूज़ हो तो पहला आर्टिकल देख लेते हैं टेक्निकल रूल्स लाइकली टू कट द चाइनीज इम्पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आइंग अबाउट फाइव थाउजेंड टेक्निकल रेगुलेशन टू रीन इन चीप इम्पोर्ट्स एंड प्रोवाइड द क्वालिटी बूस्ट टू डोमेस्टिकली मेड इंडस्ट्रियल गुड्स जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिसेंटली बहुत टाइम से हम ये न्यूज़ बार बार सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना रिलायंस चाइनीज़ इकोनॉमी पे कम करना चाहती तो उसी लिए बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं नॉन टैरिफ मेजर्स जिसके थ्रू जो चाइना का इम्पोर्ट है उसको इंडियन इकोनॉमी में कम किया जाए तो अब क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही अब अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाँच हज़ार टेक्निकल रेगुलेशंस ऐसे रेगुलेशंस जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एप्लीकेबल होते हैं क्वालिटी कंट्रोल को लेकर के स्पेशली इन टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स स्टील एंड केमिकल जब कभी भी कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है किसी भी कंट्री में तो देर आर सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करने के बाद में ही फुलफ़िल करने के बाद में ही किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी इकोनॉमी में एंट्री मिलती है वो क्वालिटी कंट्रोल जो रेगुलेशन्स होते हैं उनका बेसिक पर्पस यही होता है कि चीप क्वालिटी या इंफीरियर क्वालिटी या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट या इंपोर्ट उनकी इकोनॉमी में इंटर ना करे और स्पेशली जो उनका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उनकी क्रिटिकल इंडस्ट्री है उसको इम्पैक्ट ना करे तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नए क्वालिटी स्टैंडर्ड लाने जा रही है नए टेक्निकल रेगुलेशंस लाने जा रही है नए क्वालिटी स्टैंडर्ड लाने जा रही है जिससे कि जो चाइना का चीप इंपोर्ट है जो इंडिया में बहुत इजीली एंटर कर जाता है बिकॉज ऑफ़ द लूज टेक्निकल रेगुलेशन, बिकॉज ऑफ़ द सब स्टैंडर्ड क्वालिटी रेगुलेशन और सब स्टैंड सब स्टैंडर्ड क्वालिटी नॉम्स सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाँच हज़ार टेक्निकल रेगुलेशनस को दोबारा से रिव्यू करने जा रही है जिससे क्या होगा चाइना का इम्पोर्ट तो कम होगा ही होगा ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी नॉर्म्स हमारा जो खुद का डोमेस्टिक मैनुफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी क्वालिटी टर्म्स में बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा अगर हम इंडिया के मैनुफैक्चरिंग बेस की बात करें इंडिया की मैनुफैक्चरिंग क्वालिटी की बात करें तो हमारा मैनुफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा नहीं है इवन कई फ्रंट में तो जब हमारे प्रोडक्ट्स बाहर जाते हैं तो क्वालिटी के जो पैमाना होता है स्टैंडर्ड होता है उस पर रिजेक्ट हो जाते हैं कि उन हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गए केमिकल स्टील इवन फूड प्रोडक्ट्स फ़ूड आइटम्स भी क्वालिटी स्टैंडर्ड के नॉर्म्स पे खड़े नहीं उतरते कई देशों के अदर कंट्रीज़ के तो वो वापस कर दिए जाते हैं और या फिर उनसे हमारा ट्रेड नहीं होता उन प्रोडक्ट्स में तो इसीलिए अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसकी क्वालिटी को इंटर नेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाने के लिए और चाइना के चीप इंपोर्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5,000 टेक्निकल रेगुलेशंस को मॉडिफाई करने वाली है इसके लिए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने क्या किया कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने टॉप यूजर मिनिस्ट्री को कलेक्ट किया है उनके ऑफिशल्स को इन्वाइट किया है मीटिंग में जिसमें वो इम, जितने भी जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसके क्वालिटी नॉम्स के बारे में डिस्कस करेंगे द कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हैज़ आइडेंटिफाई टॉप यूजर्स मिनिस्ट्री दैट डील्स विद द मोस्ट इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स तो आ, ऐसी मिनिस्ट्रीज़ को इन्विटेशन भेजा गया है जिन जिनसे जिनके अंदर वो प्रोडक्ट्स आते हैं जिनका इम्पोर्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है स्पेशली चाइना से जिनका इम्पोर्ट होता है और वो प्रोडक्ट जिस भी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं उन मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिशियल्स को मिनिस्टर्स को बुलाया गया है मीटिंग में इसमें कौन कौन से टॉप यूजर्स मिनिस्ट्री आ रही हैं टेलीकॉम केमिकल इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो बेसिकली इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स का इन्हीं सारी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट होता है चाइना से और इंफीरियर क्वालिटी का इम्पोर्ट होता है तो इसलिए इन सारी इसको इनविटेशन भेजा गया है जहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल को लेकर के क्वॉल्ट और डिफरेंट ऑर्डर्स को लेकर के टेक्निकल रेगुलेशंस को लेकर के डेलिब्रेशंस होंगे और उन डेलिब्रेशंस के बाद क्वालिटी नॉर्म्स को रिवाइज किया जाएगा द मूव हैज गेन मोमेंटम एज अ गवर्नमेंट इज ऑफ व्यू दैट ओनली स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड विल बी इफेक्टिव इन कंटेनिंग चीपर इम्पोर्ट तो गवर्नमेंट को अभी यह रियलाइज़ हो गया है कि हायर स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाने के बाद ही हम चीप इम्पोर्ट को जो स्पेशली चाइना से आ रहा है उसको रोक सकते हैं जैसा कहा भी जाता है कि चाइना के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी कोई गारंटी नहीं होती है जब तक वो ख़राब हो जाते हैं कौतो लंबे चलते रहें बिकॉज ऑफ द इंफीरियर क्वालिटी स्टैंडर्ड इसीलिए गवर्नमेंट इन सारे नॉन टैरिफ़ मेजर्स को ज़्यादा ले रही रादर देन गोइंग फॉर हायर टैरिफ्स क्योंकि हायर टैरिफ्स इज़ नॉट गोइंग टू तो हेल्प वेरी मच और वो अलग तरह के इंप्लीकेशन क्रिएट करेंगे चाइना इंडिया को डब्ल्यू तक ड्रैक करके ले जा सकता है तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे मेजर्स को अडॉप्ट कर रही है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल एजुकेशन से बच सके इंटरनेशनल फोरम्स के इंटरफेरेंस से बच सके और उसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी बढ़े और चाइना से इम्पोर्ट भी कम हो चाइना पर रिलायंस भी कम हो गवर्नमेंट का ये कहना है कि कुछ सेक्टर तो इवन ऐसे हैं जहाँ पर अननेसेसरली हम इंपोर्ट करते हैं हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा जबकि हमारे खुद के मैनुफैक्चर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास कैपेसिटी है हमारी नीड को लोकल नीड को सेटिस्फाई करने की हमारे डोमेस्टिक मैनुफैक्चर सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं मैनुफैक्चर कर सकते हैं उन अदर सेक्टर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए फिर भी हम अननेसेसरली लार्ज और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट इम्प्रूव इम्पोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड के नॉर्म्स को रिवाइज करने जा रही है अब उसको एक्सरसाइज करने जा रही है और ये बहुत जल्द ही क्वालिटी स्टैंडर्ड के बहुत सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड के नॉर्म्स में चेंज देखने को मिलेगा ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स है जो हम देख सकते हैं कि चाइनीज़ जो बेसिकली टेली किन कम सेक्टर पर हम ज़्यादा चेक डाल रहे हैं टेलीकॉम केमिकल एंड आई टी इम्पोर्ट्स क्यों क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत इम्पोटेंट कॉम्पोनेट है केमिकल आई टी और टेलीकॉम और बेसिकली मिनिस्ट्री जो है इस रिविज़न के बाद क्वालिटी स्टैंडर्ड के रिविज़न के बाद जो सब स्टैंडर्ड इम्पोर्ट्स आ रहे हैं चाइना से उनको कब करने का ऑर्डर दे सकती है अगर हम टोटल इम्पोर्ट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी में चाइना से जो इम्पोर्ट रहा है वो डॉलर फोर्टी फोर हंड्रेड सिक्सटी सेवन बिलियन का रहा है और डॉलर फोटी सेवन बिलियन का डेफिसिट रहा है हमारा पिछले ग्यारह महीनों में चाइना से तो इस तरह के मूव से क्या होगा हमारे एक तो लोकल क्वालिटी स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होंगे हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके भी क्वालिटी नॉम उनको भी क्वालिटी नॉम्स फॉलो करना पड़ेगा तो उनकी भी जो प्रोडक्ट होंगे उनकी भी क्वालिटी इंप्रूव होगी ऑन द अदर चाइना से हमारा इंपोर्ट भी रिड्यूस हो जाएगा और इसी एंटी चाइना सेंटीमेंट में हम देख सकते हैं एच पी इज़ ऑल्सो गोइंग टू शिफ्ट इज़ समपैसिटी फ्रॉम चाइना टू इंडिया और चेन्नई में एच पी इज़ लुकिंग फॉर सेकेंड तो बहुत जल्दी हमें एच पी का एक नया प्लांट चेन्नई में देखने को मिलेगा जो कि चाइना से अपने कुछ प्रोडक्शन कैपेसिटी को शिफ्ट करने जा रही है आप देख लेते हैं अदर आर्टिकल जो इसी इसी न्यूज़ में मैंने कंबाइन कर दिया है चाइनीज़ टेक कंपनीज विद गवर्नमेंट लिंक्स फेस कब हालांकि इस तरह की न्यूज हम बहुत कुछ पिछले कुछ दिनों से बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसलिए उसको जल्दी से कवर करेंगे इंडिया इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज विद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक टू द कंट्रीज गवर्नमेंट और मिलिट्री सेक्टर अब इंडियन गवर्नमेंट हैवी मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर आई टी एंड कम्युनिकेशन फार्मास्यूटिकल इस सारी इंडस्ट्रीज पर नए नॉर्म्स लगाने के बाद में अब गवर्नमेंट खुद के लिंक्स को एक्सप्लोर कर रही है कि जिससे कि गवर्नमेंट का खुद का और गवर मिलिट्री जो हमारी मिलिट्री जो डिफेंस सिस्टम है जो उसका भी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी कंपनीज़ पर डिपेंडेंसी कम करी जा सके गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं इक्ुपमेंट्स यूज़ किया जाता है जो जो सप्लाई चाइनीज़ कंपनीज़ करती हैं मिलिट्री में भी बहुत सारे चाइनीज़ इक्ुपमेंट्स यूज़ होते होंगे हर टेक्नोलॉजी में कम्युनिकेशन से लेकर के डिफेंस तक तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन सारी चाइनीज़ फॉर्म्स को नए कप्स लगा कर के नए नॉर्म्स के तहत इन, आ, इंडिया में बिज़नेस करने से या इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या मिलिट्री इंडिया की मिलिट्री को इक्विपमेंट सप्लाई करने में या सर्विस प्रोवाइड करने में से रोकने जा रही है तो अब ऐसी कंपनीज जिनका कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी डिपार्टमेंट के साथ है मिलिट्री के किसी डिपार्टमेंट के साथ है अब वो सारी कंपनी एक नया चैलेंज फेस करेंगी उनके इन्वेस्टमेंट के अप्रूवल के लिए क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कर रही है क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग बॉर्डर हॉस्टिलिटी नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन आर वेरी प्राइम इन इंडिया अगर आपकी जिस कंट्री के साथ आपका झगड़ा है या जिस कंट्री के साथ आपके हॉस्टेलिटी हॉस्टल कंडीशंस हैं उसी पर्टिकुलर कंट्री की कंपनीज के प्रोडक्ट्स को इक्विपमेंट्स को आप अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या क्रिटिकल डोमेन जस्ट लाइक गवर्नमेंट और मिलिट्री में यूज़ कर रहे हैं देन इट विल इंक्रीज़ द सिक्योरिटी कंसर्न कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट जिससे कि आप झगड़ा कर रहे हैं जिससे कि आपका इशू है जैसे आपकी बॉर्डर हॉस्टिलिटी है उसी कंट्री के इक्विपमेंट्स को आप यूज़ करके उनसे फ़ाइट कर रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब अपना खुद का भी रिलायंस और अब मिलिट्री का जो चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज पर रिलायंस है उसको कम करने जा रही है हालाँकि एक्सपर्ट का ये कहना है कि इस जो नया नाम आने वाला है गवर्नमेंट का इसमें जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी प्राइवेट कंपनीज़ दैट डोंट फॉल अंडर दिस कैटेगरी कैटेगरी में फॉल नहीं करती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हीं को उन्हीं कंपनीज को टारगेट करेगी जिन कंपनीज का डायरेक्ट लिंक है चाइनीज गवर्नमेंट से या चाइनीज मिलिट्री से अब आप यह कहेंगे कि ऐसा क्यों प्राइवेट कंपनीज का किसी भी गवर्नमेंट से क्या लिंक होता है क्या लिंक नहीं होता क्या प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट होती है तो उसको क्यों बैन किया जा रहा है ऐसा नहीं है चाइना के साथ एक बहुत बड़ा कंसर्न हमेशा अटैच रहता है क्योंकि चाइना जो है वो एक कम्युनिस्ट इकॉनमी है कम्युनिस्ट इकोनॉमी है मीन्स वहाँ पर जो मैक्सिमम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं चाइना इज हाईली रेगुलेटेड इकॉनमी अब क्या है तो हाईली रेगुलेटेड इकोनॉमी है तो एक्सपर्ट का ये कहना और ऐसा एक्चुअली है भी वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में डिफरेंस कर पाना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत टाइटली रेगुलेटेड इकॉनमी है तो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज़ होती हैं जो ऑपरेट करती भी हैं रिमेनिंग सेक्टर्स में जहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है वो भी चाइनीज़ गवर्नमेंट या पी पीपल लिब्रेशन आर्मी के बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहती हैं जैसा कि हुआवे और जेड टी के साथ भी हुआ था हुआवे तो प्राइवेट कंपनी आप कह सकते हैं क्यों यू ने मना कर दिया था उसको 5G जी इक्विपमेंट सप्लाई में एंट्री करने के लिए 5G जी इक्विपमेंट के सेक्टर में एंट्री करने के लिए यू में क्यों क्योंकि यू गवर्नमेंट का ये एलिगेशन था कि हुआवे का क्लोज लिंक है चाइनीज गवर्नमेंट से हुआवे अपना डेटाबेस अपनी इंफॉर्मेशन अपने अपनी जितनी भी आईटी टी इन्फॉर्मेशन है डेटा है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ शेयर करती हुआ वे का क्लोज़ लिंक है चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ तो इन्हीं इसी लिंक को आइडेंटिफाई करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उन सभी चाइनीज़ फर्म्स पर अब अपनी डिपेंडेंसी बंद करेगी जिनका प्रूवन लिंक है चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ या चाइनीज़ मिलिट्री के साथ हालांकि इसमें एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि चाइना की प्राइवेट कंपनी वीवो जियोमी ओप्पो इसमें नहीं आएंगी लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि इस पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी का लिंक है वहाँ की गवर्नमेंट से कि नहीं है इट विल बी द वेरी डिफिकल्ट और वेरी प्रोमिनेंट चैलेंज फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कैसे हो सकता है नेचर ऑफ ओनरशिप को देखें कि कितने स्टेक होल्डर्स हैं कौन स्टेक होल्डर है क्या कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेक होल्डर तो नहीं है उस चाइनीज़ कंपनी में या कोई गवर्न या चाइनीज़ आर्मी का कोई स्टेक होल्डर नहीं है या चाइनीज गवर्नमेंट खुद स्टेक होल्डर तो नहीं है किसी पर्टिकुलर कंपनी में जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रही है या इंडिया में बिजनेस कर रही है तो ऐसी सारी कंपनीज चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो चाइनीज़ कंपनीज़ जो इंडिया में काम कर रही हैं और जिनमें वहाँ की गवर्नमेंट का यानी चाइनीज़ गवर्नमेंट का या चाइनीज आर्मी का किसी भी तरह की ओनरशिप है उन सारी बिजनेसेस को अब इंडिया में ऑपरेट करने नहीं दिया जाएगा या उनका इन्वेस्टमेंट रिन्यूअल नहीं किया जाएगा अगर 5G इक्विपमेंट्स या जी डिप्लॉयमेंट की बात करें तो अभी तक इंडिया ने हुआवे और दट को फिलहाल के लिए बैन नहीं किया था कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन से पहले इंडिया में बैन नहीं किया था बट कोविड नाइन्टीन के बाद और जो इंडिया चाइना के बीच में हॉस्टलिटी बढ़ी है रिसेंटली उसके बाद इंडिया ने डिसीजन लिया है कि वो हुआवे और जेड को फाइव जी डिप्लॉयमेंट इंडिया में फ़ाइव जी डिप्लॉयमेंट के, के बिज़नेस से दूर रखेगी क्यों क्योंकि इस हुआवे और जेड पर बार बार ये एलिगेशन लगते हैं कि उनका स्ट्रॉन्ग लिंक है पीपल लिबरेशन आर्मी से और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हालांकि दोनों कंपनीज़ बार बार मना करती हुई आती कि नहीं उनका कोई लिंक नहीं है चाइनीज़ गवर्नमेंट का या पीपुल लिब्रेशन आर्मी का उस कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है बट ना ही यूएसए और ना ही अदर कंपनीज़ अदर कंट कंपनीज़ अदर कंट्रीज़ जैसे कि यूरोपियन नेशंस अगर हम बात करें वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया जैसी कंपनी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी हुआवे और जेड को अपने यहाँ मना कर दिया तो अब इंडिया भी उसी लाइन में शामिल हो गया इंडिया ने भी हुआवे और जेड को बैन करने का डिसीजन ले लिया है फॉर फाइव डिप्लॉयमेंट और रिसेंटली तो हमने देखा है कि इंडिया ने जितनी भी स्टेट ओन टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनीज़ हैं भारत संचार निगम और महाना महानगर टेलीफोन निगम उनको तो मना ही कर दिया है चाइनीज़ फर्म से गेयर को फोर जी गेयर को सोर्स करने के लिए और इस एनालिसिस के बाद में जब नेचर ऑफ ओनरशिप आइडेंटिफाई कर लेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लियरली लिंक इस्टेब्लिश हो जाएंगे चाइनीज़ फर्म्स के चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ में या चाइनीज़ आर्मी के साथ में तो उन सारी कंपनीज़ को इंडिया में बैन कर दिया जाएगा तो हो सकता है आने वाले टाइम में और ज़्यादा बैन देखने को मिले चाइनीज़ फर्म्स का इंडिया में अगर कहीं से भी ये प्रूफ होगा कि कुछ चाइनीज़ फर्म्स का डायरेक्ट लिंक है वहाँ की गवर्नमेंट से वहाँ की आर्मी से तो हम बहुत ज़्यादा बैन देखेंगे फॉर चाइनीज़ फर्म्स हुआवे और जेट को तो ऑलरेडी एलिगेशन लगे हुए हैं तो उनको बैन करने का भी डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया है एमिर द इमिन सिक्योरिटी कंसर्नस आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर टू ईजियर फंड रेजिंग रूल्स फॉर कंपनीज ऑन सेबी बोर्ड्स एजेंडा अगर आपको याद हो तो रिसेंटली हमने क्यू आई पी से रिलेटेड एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें हमने ये कहा था कंपनीज़ को क्यू आई पी इशू करने के लिए सेबी ने बहुत सारे नॉर्म्स को रेगुलेट कर दिया जो टाइम इंटरवल था दो टू क्यू आई पीज़ के बीच में कितना टाइम इंटरवल था पहले सिक्स मंथ अगर कोई कंपनी क्यू आई पी इशू करना चाहती है तो अगर उसने पहला क्यू आई पी एक महीने पहले इशू किया है तो अगला क्यू आई पी वो पाँच महीने बाद ही इशू कर पाएगी इट मीन्स देयर शुड बी द डिफरेंस ऑफ मिनिमम सिक्स मंथ बिटवीन टू क्यू आई इसी लाइन में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अब जो स्ट्रेस कंपनीज़ हैं उनके लिए जो फंड रेजिंग नॉम्स हैं और आसान कर दी क्यू के बाद जो क्यू में जो टाइम इंटरवल का गैप था जो छः महीने का था उसको रिड्यूस करके दो हफ्ते का कर दिया गया था टू वीक्स का कर दिया गया था अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइजिंग से रिलेटेड जो नॉर्म्स थे जो प्रेफरेंशियल इक्विटी के जो शेयर्स थे उनकी प्राइजिंग के कुछ नॉर्म्स होते हैं ऐसे ही कंपनी अपने अकॉर्डिंग प्राइज़ नहीं रख सकती प्रेफरेंशियल इक्विटी के लिए तो उन नॉर्म्स को भी गवर्न सेबी ने रिलैक्स कर दिया स्पेशली फॉर स्ट्रेस्ड कंपनी तो कर दिया नहीं मिस करने जा रही है ऐसा जो अपकमिंग मीटिंग है सेबी की उसमें जो वर्चुअल मीटिंग है उसमें ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव जून को मीटिंग है उसमें इस बात का डिसीजन लिया जाएगा जिसमें इशू ऑफ रिलैक्सिंग प्राइसिंग नॉर्म्स एंड मेकिंग इट ईजीअ फॉर स्ट्रेस कंपनीज टू रेस वन टू प्रेफरेंशियल इक्विटी सेल्स टू फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स कौन होते हैं कंपनी के कंपनी के प्रमोटर्स तो अब कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी कंपनी में प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर्स को ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा नॉम्स फॉलो नहीं करने पड़ेंगे हालांकि इससे पहले अगर से भी इस नॉम को अप्लाई करती है या इसको इस नॉम को चेंज करती है तो उससे पहले बहुत सारे नॉ थे जो कि फाइनेंशियल और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स को फॉलो करने पड़ते थे बिफोर बाइंग एनी प्रेफरेंशियल इक्विटी इनटू देयर कंपनी क्यों से भी इस तरह का रिलैक्सेशन कर रही है प्राइसिंग नॉर्म्स में क्योंकि इस समय जितनी भी स्ट्रेस्ड कंपनीज़ हैं उनको मार्केट से फ़ंड रेस करने में कैपिटल रेस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इसीलिए वो फाइनेंशियल अपने फाइनेंशियल और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स से फ़ंड रेस कर पाएँ इसके लिए इन नॉर्म्स को ईजी किया जा रहा है मार्केट में तो उन स्ट्रेस्ड कंपनीज़ के कोई भी बॉन्ड्स या शेयर्स नहीं खरीदेंगे या तो इस रिलैक्सेशन से क्या होगा इस रिलैक्सेशन से ये होगा कि कंपनी जो स्पेशली जो स्ट्रेस्ड कंपनीज है जिनके पास इस समय कैश लिक्विडिटी या कैश करेंसी कंडीशन है उनको अपने प्रमोटर्स से इन्वेस्टमेंट लेने में ईजी रहेगा और इस समय वो कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन से ओवरकम कर सकती हालाँकि जो सेबी है वो स्ट्रेस्ड कंपनीज के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनके लिए नॉर्म्स को ज़्यादा रिलैक्स करने की कोशिश कर रही रादर देन अदर कंपनीज़ नॉर्म्स को रिलैक्स करने का जो प्रपोजल है ये स्ट्रेस कंपनीज के uh, तरफ से भी आया है और अदर इंडस्ट्री की तरफ से अदर जो कंपनीज हैं इंडस्ट्री में उनकी तरफ से भी ये डिमांड कही जा रही है करी जा रही है कंटिन्यूसली सीबी से हालांकि जो से के ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि जो स्ट्रेस कंपनीज़ हैं उनकी डिमांड जो है वो जेन्यून है और उन पर ज़्यादा कंसिडरेशन दिया जाएगा रादर देन अदर कंपनीज़ ऑफ द इंडस्ट्री अन अदर पर्सन फैमिलियर विद द डेवेलपमेंट सेट कंसर्न हैव बीन बेस्ड ऑन द रिलेक्सेशन दैट आर ओनली अवेल्ड बाई द प्रोमोटर्स तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो प्राइस रिलेक्सेशन का जो नॉर्म है जो रिलेक्स किया जा रहा है ये सिर्फ प्रमोटर्स के लिए ही है और अगर अब अभी हम बात करें प्रेफरेंशियल इशू के प्राइसिंग पॉलिसी की तो एट प्रजेंट द प्राइसिंग रूल्स रिक्वायर द इशू प्राइस टू बी एवरेज ऑफ द प्रिवियस ट्वेंटी सिक्स वीक्स और पास टू वीक्स विच एवर इज़ हायर तो छब्बीस हफ्तों या पिछले दो हफ्तों हाँ में जो भी प्राइस हायर है उसी के अकॉर्डिंग प्राइसिंग रखनी पड़ती है तो एज पर द करंट न्यूज़ दिस प्राइज रिलैक्सेशन इज़ ओनली गिवन टू द प्रोमोटर सो दैट स्ट्रेस्ड कंपनी स्पेशली स्ट्रेस्ड कंपनी डू नॉट फेस एनी चैलेंज वाइल रेजिंग देयर कैपिटल तो आने वाली पच्चीस जून को आने वाली वर्चुअल मीटिंग में से बी में इन सारे प्राइसिंग जो रिलेटेड नॉर्म्स हैं उसमें कुछ रिलैक्सेशन पर डिस्कशन होगा और ऐसा कहा जा रहा है कि जो स्ट्रेस्ड कंपनीज़ हैं उनके लिए बेसिकली रिलैक्सेशन पॉसिबल हो जाएगा इवन इसके अलावा भी सेबी का जो बोर्ड है वो और डिसीजंस भी ले सकता है क्यू को रिलेटेड जो डिसीजन था वो पहले भी आ चुका है अब प्राइसिंग नॉर्म्स को लेकर जो रिलैक्सेशन होगा इसके बाद भी अगर सेबी को कुछ ऐसे नॉर्म्स लगते हैं जिनमें रिलैक्सेशन की ज़रूरत है तो उस नॉर्म्स को भी रिलैक्स किया जाएगा इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द फंड रेजिंग बाई दोज स्ट्रेस कंपनीज अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर थ्री चाइनीज फॉर्म्स लूज कुड ब्रिंग गेंस फॉर लोकल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन players so because of the curb that government of india is continuously imposing on chinese firm that loss of chinese firm can be the gains of local infrastructure and construction player in the industry so it is said that in upcoming time local infrastructure and construction companies especially epc epc stands for engineering procurement and constructions players could be बेनिफिटेड from India's फोकस ऑन लोकल कंपनी स्पेशली इन infrastructure एंड कंस्ट्रक्शन work. क्यों क्योंकि उससे चाइनीज कंपनीज़ को रोका जा रहा है उन पर कर्ब लगाए जा रहे हैं अगर आप चाइनीज़ कंपनीज़ को रोक रहे हैं चाइनीज़ फॉर्म्स को रोक रहे हैं जिनकी मैक्सिमम टाइम डोमिनंस रहती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में तो अब केवल जो ऑप्शन बचता है वो इंडियन कंपनीज या इंडियन हैवीवेट ई बचते हैं जैसे कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको मिलने या उनको ट्रांसफर होने के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रीवियस डिसीजन लिए भी हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शंस के प्लान हैं उनको लेकर के जो चाइनीज फर्म्स ने ऑलरेडी बिट्स जीत ली हैं उनको भी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिव्यू करने जा रही है एमिड द फेस ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर तो जो इंडिया चाइना बॉर्डर में जो इशू हो रहा है उसकी वजह से इंडिया में जो चाइनीज़ फर्म ऑलरेडी गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स को जीत चुकी हैं प्रोजेक्ट्स को मिल चुका है उनको भी अब गवर्नमेंट रिव्यू करने जा रही है उससे क्या होगा उससे ये होगा कि रिव्यू के प्रोसेस में हो सकता है बहुत सारे जो चाइनीज फर्म्स हैं जिनको ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुके हैं वर्क ऑर्डर मिल चुके हैं उनके ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए जैसा कि हमने पिछली बार देखा है और आज की न्यूज़ में भी हमने डिस्कस किया अगर पिछली न्यूज़ की बात करूँ तो अगर आपको याद हो मैंने डिस्कस किया था कि हरियाणा गवर्नमेंट ने चाइनीज़ कंपनीज़ के आप, आ, कुछ ऑर्डर कैंसिल किए हैं जितने वर्थ रुपीज़ वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड करोड़ वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड करोड़ के चाइनीज़ फर्म्स के ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए हैं जो कि उनको पहले मिल चुके थे इस्पेशली मुंबई मेट्रो को बनाने के लिए तो इसी तरह आज हमने आज भी देखा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पाँच हज़ार करोड़ का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होना था चाइनीज़ फॉर्म से उसको भी होल्ड कर दिया तो महाराष्ट्र का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं हरियाणा गवर्नमेंट का एग्जाम्पल ले सकते हैं अगर आपको याद हो तो डेली तो मेरठ का जो मेट्रो बन रहा था उसके उसका भी कम, जो ब्रिट था वो चाइनीज कंपनी नहीं जीता था उसको भी कैंसिल करने के डिमांड कंटिनुअसली उठ रही है जो जो हमारे इंडस्ट्री रिप्रजेंटेटिवस हैं उनसे मोर देन टेन बिलियन वर्थ ऑफ टेंडर आर इन दाइप लाइन फॉर मेट्रो रेल्स इन डिफरेंट स्टेट एंड एनालिस्ट आर सेंग दैट द पाई विल राइज फॉर द इंडियन कंपनी स्पेशली ऑन द लार्जर प्रोजेक्ट्स इफ़ चाइनीज कंपनीज आर नॉट फेवर्ड तो अगर चाइनीज़ कंपनीज को इन सारे प्रोजेक्ट्स से हटाया जाता है अप्रोक्सीमेटली मुझे दस बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट जो है स्पेशली इन मेट्रो रेल जो पेंडिंग है तो अगर चाइनीज फर्म्स को फॉरबेड कर दिया जाता है रोक दिया जाता है इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए तो इससे डायरेक्टली जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो बेनिफिट होंगी और अगर हम बात करें रेलवे हो गया हमारा ट्रांसमिशन हो गया हमारे रोड कंस्ट्रक्शन हो गए इस 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 सेक्टर में जितने भी हमारे लोकल जो वेंडर्स हैं जो लोकल कंपनीज़ हैं या डोमेस्टिक इंडियन कंपनीज हैं वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाली हैं जो रेलवे ट्रांसमिशन और रोड के सेक्टर में और जिसको लेकर के जितने भी जो हमारे लोकल कंपनीज़ हैं हमारी लोकल मैन्यूफैक्चरिंग और लोकल ई पी सी कंपनीज हैं दे आर क्वाइट एक्साइटमेंट एंड इन केस ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट ड्यूटी फॉर केबल्स के ई आई इंडस्ट्री विल बेनिफिट एज थर्टी फाइव परसेंट ऑफ द डोमेस्टिक केबल्स तो अब डोमेस्टिक केबल को लेकर क्योंकि ट्रांसमिशन बात करी ट्रांसमिशन के केस में भी बहुत सारे चाइनीज़ फॉर्म्स को रोक दिया जा सकता है रोका जाएगा तो जब इंडियन जो फॉर्म हैं जो इंडियन कंपनीज हैं केबल मैनुफैक्चरिंग स्पेशली के ई इंडस्ट्री में जो हैं उनको थर्टी फाइव परसेंट का प्रॉफिट होगा डोमेस्टिक केबल उनका जो बेनिफिट होगा जो मार्केट शेयर होगा वो थर्टी फाइव परसेंट इंक्रीज होगा इन केस ऑफ द डोमेस्टिक केबल सप्लाई और ये हमारा केबल जो मार्केट है इंडिया में बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज है बिकॉज ऑफ द चाइनीज़ इम्पोर्ट तो उसको भी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प मिलेगी वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में उभर सकता है तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा अमाउंट जो है टेंडर का प्रोजेक्ट्स का स्पेशली इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसमिशन रेलवे रोड्स जो कि चाइनीज कंपनीज को मिलता अब बिकॉज ऑफ द सो मैनी सेंक्शंस और इकोनॉमिक कर्ब वो सारा प्रोजेक्ट अब इंडियन कंपनीज को मिलेगा जिसकी वजह से इंडियन कंपनीज के लिए अब समय जो आने वाला जो टाइम आने वाला है दैट विल बी शाइनिंग एंड प्रॉमिसिंग और आप ये देख सकते हैं कुछ डेटा पिछले कुछ टाइम में जो स्टॉक प्राइजेस हैं उनमें क्या वेरिएशन हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस कब एंड दिस सेंक्शन बाई इंडियन गवर्नमेंट अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर फोर टेल बीफ अप सिक्योरिटी एमिट साइबर थ्रेड्स जितने भी इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनीज हैं जो टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं उन सब ने अपने सिक्योरिटी सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है और इवन अपने बिजनेस क्लाइंट्स को भी बोला है कि वो प्रोटेक्टिव मेजर्स लें अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी को लेकर क्योंकि शिनो इंडिया बॉर्डर क्लैश की वजह से इस समय साइबर थ्रेट और साइबर ब्रीचिंग और साइबर क्राइम के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ गए हैं अगर आप लोग को पता हो तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ था और जब उस साइबर अटैक की एनालिसिस करी गई तो यह पाया गया कि दैट साइबर अटैक वाज नॉट पॉसिबल बाय द इंडिविजुअल हैकर वो इतना बड़ा साइबर अटैक था कि वो एक किसी इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं था जब तक कि उसमें किसी पर्टिकुलर स्टेट या किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का हाथ ना हो जब जो सिक्योरिटी उसके इन्वेस्टिगेशन उस हैकिंग के अगेंस्ट या उस साइबर क्राइम के अगेंस्ट हुए तो पता चला कि इसमें बहुत बड़ी किसी स्टेट गवर्नमेंट का हाथ है क्योंकि इतना बड़ा साइबर अटैक किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक इंडिविजुअल के बस की बात नहीं थी और जब उसके सिक्योरिटी कोड्स की एनालिसिस करी गई उनकी उसकी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करी गई तो यह पाया गया कि उसके रूट चाइनीज़ गवर्नमेंट या चाइना कंट्री से जुड़े हुए हैं क्यों इसका मतलब डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने तो नहीं कहा बट इनडायरेक्टली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये इंडिकेट किया कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पे जो साइबर अटैक हुआ था वो चाइना के द्वारा कराया गया था क्यों चाइना ने ऑस्ट्रेलिया पे साइबर अटैक कराया क्योंकि रिसेंटली चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हॉस्टिलिटी बहुत बढ़ गई थी अगर आपको याद हो तो कोविड नाइन्टीन के केस में बहुत सारे कंट्रीज़ ने मिलकर के आपस में ग्रुप बनाया था जिसमें उन्होंने उस ग्रुप ने एक मांग करी थी कि चाइना गवर्नमेंट के अगेंस्ट या चाइना कंट्री के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस कोविड नाइन्टीन के इशू को लेकर के कि उन्होंने इंटेंशनली कोविड नाइन्टीन को फैलाया है कि ये एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली ये पैंडमिक स्प्रेड हुआ है वर्ल्ड में तो जिसको लेकर के चाइना बहुत चाइना के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बहुत वोकल था इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में हॉस्टिलिटी बहुत बढ़ गई इसके बाद में टैरिफ वॉर शुरू हो गया इसी वजह से चाइना ने एक बहुत बड़ा साइबर अटैक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में किया और अब कहा जा रहा है इतना ही बड़ा साइबर अटैक अटैकअप इंडिया पर भी होने वाला है इसी ने जितने भी हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटेलिजेंस के तहत बताया है कि सेम टाइप ऑफ साइबर अटैक इज़ गोइंग टू हैपेंड ऑन इंडियन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके लिए जितने भी हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वोडाफोन आइडिया बी एस एन एल सबको अपग्रेड कर दिया गया बोला गया है कि अभी से ही वो प्रोटेक्टिव मेजर लेना शुरू करें और हर कंपनी ने अपने अपने और साथ सारी ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने गाइडलाइन भी इशू करी हैं अपने बिजनेस क्लाइंट्स के लिए अपने इंडिविजुअल क्लाइंट्स के लिए अपने रिटेल क्लाइंट डिटेल क्लाइंट्स के लिए और कहा है कि आगे आने वाले सारे टेरिफ को मॉनिटर किया जाए ई मेल को सारा मॉनिटर किया जाए किसी भी अननेसेसरी ई मेल पर क्लिक नहीं किया जाए अपडेट्स जो हैं वो सब सारे सॉफ्टवेयर को कंटिन्यू मतलब अपडेटेड रखना है स्पेशली एंटी वायरस जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट रखना है किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने से पहले सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को देखना है सिक्योरिटी सर्टिफिकेट को देखना है किसी भी एडवरटाइजिंग कंपनी जो और एडवरटाइजिंग एम्प्लॉयज हैं जो स्पेशली जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है किसी भी तरह की ऐसी लिंक पर क्लिक नहीं करना जो कि सस्पिशियस हो और इस समय इंडिया ने अपनी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इसको सर्ट इन भी बोलते हैं इसको एक्टिव कर दिया इट इज़ ए गवर्नमेंट नोडल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी इसको सर्ट इन बोलते हैं ये याद रखिएगा इंडियन गवर्नमेंट कंप्यूटर रिस्पॉन्स टीम सर्ट इन अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है तो अब इस केस में ये जो कंपनी है जो नोडल एजेंसी है इंडिया की नोडल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है तो आप एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपके किसी भी अपकमिंग एग्जाम में चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो बैंकिंग एग्ज़ाम हो चाहे वो एस हो उन सब के एग्ज़ाम के लिए ये नोडल एजेंसी इसके बारे में जानना इससे क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंट हो जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया तो आप जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए वो सर्ट इन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें किसके अंडर ऑपरेट होती है और कौन कौन सी हमारे यहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो उससे इन इससे टैंडम काम करती हैं इनसे कोलाबोरेशन करके काम करती हैं सर्ट इन से और ये सर्ट इन कैसे काम करती है क्या इसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कब स्टैब्लिश हुए सब कुछ तो डिटेल में आप इसको पढ़ लीजिएगा इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम तो सर्ट इन ने भी एक पेशेंट अटैक के लिए गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस दिया है तो इसीलिए चाहे रिलायंस जियो हो एयरटेल कंपनी हो वोडाफोन आइडिया हो सब इस समय अपने हाईएस्ट सिक्योरिटी पैरामीटर्स पर हायर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं रिलायंस जियो टू इज़ टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट द अटैक ऑन इट्स नेटवर्क वोडाफोन आइडिया सेट इट्स रोबस्ट एंड सिक्योर नेटवर्क एंड आई टी सिस्टम आर पीरियडिकली ऑडिटेड एंड स्टेंद इंटेलिजेंस रिसीव फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अप्रोप्रेटली यूज टू इंक्रीज़ द विजिलेंस एंड इन्हेंस सिक्योरिटी तो ऑस्ट्रेलिया के एग्जाम्पल को लेते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी से ही अपने सिक्योरिटी सिस्टम को मॉनिटर करना शुरू कर दिया है और अगर हम अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि कौन कौन से हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं तो आई के अलावा हमारे पास आ, हमारा वाटर सिस्टम हो गया हमारा ग्रिड सिस्टम हो गया ये सब हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट हैं और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारे टेलीकॉम नेटवर्क हैं उनके अकॉर्डिंग जो इस समय सबसे क्रिटिकल है जिस जिसपे सबसे बड़ा रिस्क आ रहा है जो जिन पर रिस्क हो, हो सकता है वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जहाँ पर हम चाइनीज़ इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हैं वो सारे एरिया जहाँ पर हमने चाइनीज़ इक्ुपमेंट या चाइनीज़ पार्ट यूज़ किए हैं वो सारे पोटेंशल टारगेट हैं इस्पेशली हमारा पावर ग्रिड जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है वो इस समय सबसे बड़ा पोटेंशियल uh, टारगेट बन के उभरा है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चाइनीज़ इक्विपमेंट लगे हुए हैं इसलिए गवर्नमेंट ने वॉर्न किया है सारे नेटवर्क ऑपरेटर को ऑन द अदर हैंड पावर ग्रिड की जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उन सबको भी वॉर्न किया है कि आप इस समय हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो करें और जितने भी नॉर्म्स हैं अपने सिस्टम को अपडेट रखें नॉर्म्स को अपडेट रखें सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें और किसी भी ऐसी uh, जो आपको लगता है कि ऐसी एक्टिविटी हुई है फिशिंग एक्टिविटी उसको तुरंत रिपोर्ट किया जाए ये हम देख सकते हैं कि कंपनीज ने क्या क्या रिस्पॉन्स लिया है भारतीय एयरटेल ने अपग्रेडेड सिक्योरिटी ऑपरेटर सेंटर रिलायंस इज टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस वोडाफोन आइडिया सेज आईटी सिस्टम इज रोबोस्ट तो फिशिंग सस्पिशियस वेब पेजेस इंटरनेट लीक्स आइडेंटिटी थेफ्ट इन सब का ख़तरा मंडरा रहा है एज़ पर द एक्सपर्ट हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रिपेयर है इस चीज़ को और वो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही है कि ऐसा कोई भी अटैक इंडिया इंडिया के किसी भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ना ही हमारे आई फ्रेमवर्क पर और ना ही हमारे पावर ग्रिड पर हो पाए जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर फाइव मूडीज एक्सपेक्ट इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट थ्री पॉइंट वन परसेंट इन ट्वेंटी ट्वेंटी मोडीज़ ने इंडिया को लेकर के अपने प्रोडक्शन को दोबारा से चेंज किया अपने प्रोजेक्शन को दोबारा से चेंज किया है एज़ पर द मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज इंडियन इकोनॉमी इज़ गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 3.1 परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2020 और यही जो उसने 3.1 परसेंट का प्रोजेक्शन दिया है इसके लिए अप्रैल मंथ में सेम प्रोजेक्शन मोडीज़ uh, ने जीरो दिया था कि अप्रैल में मोडीज़ ने कहा था कि इंडियन इकॉनॉमी ज़ीरो परसेंट से ग्रो करेगी और अब अपने एक्सपेक्टेशंस को अपने प्रोजेक्शंस को मोडी इन्वेस्टर सर्विसेज ने रिवाइज़ कर दिया है और कहा है इंडियन इकोनॉमी 3.1 परसेंट से कॉन्ट्रैक्ट करेगी रादर देन गोइंग फॉर 0.2 परसेंट ग्रोथ द रेटिंग कंपनी एक्सपेक्ट अ स्ट्रॉन्गर्ड इकोनॉमिक रिबाउंड हालांकि जो रेटिंग एजेंसी है इसने ये कहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के बाद इंडियन इकोनॉमी स्ट्रोंगली रिबाउंड करेगी विद सिक्स जो कि उसने पिछला बार जब आप अप्रैल के मंथ में क्या रिकमेंड या क्या प्रोजेक्शन थी 6.2 की प्रोजेक्शन थी तो जो आप प्रोजेक्शन दी है फाइनेंशियल ईयर 21 को लेकर के अपकमिंग जो ईयर है उसको बढ़ा दिए मूडीज ने इसको 6.9 कर दिया है जो कि पहले 6.2 किया था और ये डेटा कहाँ पब्लिश होता है ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिलीज ऑन मंडे तो हो सकता है आपसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाए ये ग्लोबल मैक्रो आउटलुक क्या है कौन पब्लिश करता है क्योंकि रिसेंटली मूडीज और अदर रेटिंग फर्म्स जो हैं रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो कंटिन्यूसली न्यूज़ में हैं तो उनकी कौन सी रिपोर्ट पब्लिश होती है कौन सी रिपोर्ट में क्या होता है ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें क्योंकि ये प्रॉबेबल क्वेश्चन बन जाता है स्पेशली फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स तो अपनी ग्लोबल माइक्रो आउटलुक की रिपोर्ट में मूडूज ने में इंडियन इकोनॉमी के प्रोजेक्शंस को रिवाइज किया है और इस साल जो कॉन्ट्रेक्शन है उसको बढ़ा दिया है और अगले साल की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको भी बढ़ा दिया है मूडीज़ का ये टेक है कि ये गवर जो इस बार का जो कॉन्ट्रेक्शन बढ़ाया है जो थ्री पॉइंट टू पॉइंट जीरो से बढ़ाकर थ्री पॉइंट वन कर दिया है उसका बेसिक रीज़न ये है कि जो इस समय इंडियन गवर्नमेंट जो है चाइनीज़ को फॉर्म्स को जो कर्ब कर रही है उन पर जो बहुत कर्ब लगा रही है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में उनको रोक रही है आई टी कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क में उनको ऑपरेट करने से रोक रही है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में उनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उनकी प्रेजेंस कम कर रही है हैवी मशीनरी में उनकी प्रेजेंस को कम किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में चाइनीज़ फॉर्म्स को रोका जा है उस सब की वजह से अब वो जो ये फैक्टर है ये और कंट्रीब्यूट करेगा इंडियन इकोनॉमिक के कॉन्ट्रैक्शन में अगर ये फैक्टर ना होता तो शायद इंडियन इकोनॉमी का कॉन्ट्रेक्शन थोड़ा सा कम होता तो इन सारे फैक्टर की वजह से मूडीज़ ने अपनी प्रोजेक्शंस को अपने प्रोडक्शन को रिवाइज़ करके 3.1 परसेंट कर, कर दिया क्योंकि मूडीज़ के अकॉर्डिंग इस सब की वजह से इंडिया के जो डोमेस्टिक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी इस फाइनेंशियल ईयर में तो कोविड नाइन्टीन की वजह से जो अफेक्ट था वो तो है ही बट चाइना से जो हमारा हॉस्टिलिटी बढ़ी है और जो हम चाइनीज़ फॉर्म से कंटिन्यूसली कब लगा रहे हैं उसकी वजह से भी इस फाइनेंशियल ईयर में इंडियन इकॉनमी में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्शन देखा जाएगा और मूडीज़ के अकॉर्डिंग चाइना इज द ओनली कंपनी ओनली कंट्री दैट इज एक्चुअली गोइंग टू हैव द रजिस्टर्ड ग्रोथ ऑफ वन परसेंट इन दिस फाइनेंशियल ईयर तो जी ट्वेंटी कंट्रीज में केवल चाइना ही ऐसा कंट्री एज पर द मूडी जो कि वन परसेंट की ग्रोथ रजिस्टर करेगा इस फाइनेंशियल ईयर में तो यही हालांकि अप्रैल के महीने में भी चाइना की ग्रोथ को लेकर के मूडीज़ का यही प्रोजेक्शन था और जून के महीने में भी चाइना की ग्रोथ को लेकर के मूडीज़ का यही प्रोजेक्शन है जिस तो चाइना के लिए कोई प्रोजेक्शन अभी फ़िलहाल के लिए चेंज नहीं किया गया इन स्पाइट ऑफ दैट कि इंडियन जो कम गवर्नमेंट है वो कंटिन्यूसली चाइनीज़ फर्म्स को बैन कर रही है लेकिन इसके बाद भी चाइना के प्रोजेक्शन में कोई चेंज नहीं है एज़ पर द मूडीज स्टेटमेंट वी विल गो डाउन इन द हिस्ट्री एज द वर्स्ट क्वार्टर फॉर द ग्लोबल इकॉनॉमी सिंस लीस्ट वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से ये सबसे ख़राब या वर्स्ट क्वार्टर होगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इन ग्लोबल इकॉनॉमी और अपने जो रिपोर्ट है उसमें मोदीज ने लगभग जितनी मेजर इकॉनॉमीज हैं जी ट्वेंटी हो या अदर मेजर इकोनॉमी सबकी ग्रोथ को लोअर ही प्रोडक्ट किया है फॉर जी ट्वेंटी टू जी ट्वेंटी एडवांस इकोनॉमी द रिपोर्ट प्रोजेक्टेड अ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सिक्स पॉइंट फोर परसेंट इन ट्वेंटी ट्वेंटी फॉलोड बाई फोर पॉइंट एट परसेंट रिकवरी इन नेक्स्ट ईयर तो जो और बड़ी बड़ी कम इकॉनमीज हैं उनके लिए तो सिक्स पॉइंट फोर परसेंट काोजेक्ट कॉन्ट्रेक्शन प्रोजेक्ट प्रोजेक, प्रोजेक किया है मूडीज ने इस फाइनेंशियल ईयर में तो उसके कंपेरिजन में इंडिया का जो प्रोजेक्शन है वो तो काफ़ी लो है माधा प्रोजेक्शन है ही है हम हाफ रेट पर ही हैं तो केवल चाइना को छोड़कर के दो अदर जी ट्वेंटी की इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं सबके लिए इस बार मूडीज़ ने कॉन्ट्रैक्शन का ही प्रोजेक्शन किया है और ऐसा कहा जा रहा है कि फॉर जी ट्वेंटी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ इट प्रोजेक्टेड अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वन पॉइंट सिक्स परसेंट एक्सक्लूडिंग चाइना द एस्टिमेट वुड हैव बिन माइनस फोर पॉइंट सेवन परसेंट एट सेट तो 1.6 परसेंट से लेकर माइनस फोर परसेंट का कॉन्ट्रेक्शन G20 की इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में देखा जा सकता है हर तीन हर तीन महीने बाद हर तीसरे महीने मोडी अपने इस प्रोडक्शन जो प्रोजेक्शन है उसको लेकर के रिविजन करते रहता है तो इस बार जो रिवीजन इंड हुआ है उसमें इंडिया को इस फाइनेंशियल ईयर में और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड इकॉनमी गया कि आप इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी ये थोड़े से स्टैटिस्टिक्स हैं जो आप देख सकते हैं ग्लूमी आउटलुक हालांकि इस फाइनेंशियल ईयर के बाद जो इंडिया का जो इकोनॉमी है वो बताया गया कि 6.9 परसेंट से इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी और जो सिनेरियो मूडीज़ ने लिया है कि सिनेरियो के बेसिस पर प्रोजेक्शन दिया है तो कोविड नाइन्टीन का इम्पैक्ट इसके बाद जो चाइना फॉर्म्स को हम जो कर्ब कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट और मूडी ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया में सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन ऑफ कोरोना वायरस आएगा जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन और ये डेटा रिवाइज़ किया गया है हालांकि चाइना के लिए वन परसेंट की ग्रोथ जो है वो मूडीज़ ने रखी है और जितने भी वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं अगर उनकी बात करें तो उनकी भी जीडीपी ग्रोथ को या उन भी लोअर करी है मूडीज़ ने अपने पहले प्रोजेक्शन के कंपैरिजन में तो मेजर इकोनॉमीज़ में मूडीज़ ने लोअर ग्रोथ या अपने प्रोजेक्शंस को और लोअर किया तो इंडिया इज नॉट एन एक्सेप्शन इन दिस केस दैट्स ऑल फॉर टुडे इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू स्टूडेंट्स